नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। राजधानी का कलियासोत डैम तीन मासूमों के लिए काल बन गया। पतंग लूटने की होड़ में खतरे से अनजान यह बच्चे डैम के पानी में समाते गए। उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनके जीवन की डोर टूट चुकी थी। कलियासोत डैम में डूबे बच्चों को बाहर निकालकर हमीदिया अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने चेक कर 13 साल के उमेश और 14 साल के नितिन को मृत घोषित कर दिया। 13 साल के विक्की की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी रातिगढ़ थाने के लोग तीन बच्चों को जो बदोदा के शायद डैम में डूब गए थे लेके आए हैं, जिसमें से दो की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों ने कोशिश किया तो उसके बाद भी वो हम उनको बाहर नहीं निकाल पाए, ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनकी। एक बच्चा जो अत्यधिक गंभीर हालत में है। यह सभी बच्चे सेवनिया गोड़ के रहने वाले हैं और पतंग लूटने की होड़ में डैम तक पहुंच गए थे। उन्हें बचाने के लिए पुलिसकर्मी पानी में उतर गए। कॉलर ने बताया कि जी अपने स्टेट डेयरी से नीचे जो आप पतंग वतंग उड़ाते हैं वहाँ की बात है, फिर वह भदभदा से अपने तराई से वो से FRV टर्न करके साथ में ये भी पहुंच गई थी, क्या नाम है, कमला नगर का स्टाफ भी पहुँचे, FRV पहुँच गई थी, सीधी मौके पहुँचे थे। पुलिस ने कपड़े उतार के सीधे कूद गए थे, उसमें से तीनों लड़कों को निकाला था। रातिबड़ थाना प्रभारी कंचन राजपूत ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे पतंग लूटने की होड़ में डैम तक आ गए थे। इस घटना से सेवनिया गोड़ गांव में मातम पसरा हुआ है। भोपाल से न्यूज आज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।